हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 2 की, जिसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेके 1 घंटे के। और डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपका मज़ा कहीं से भी स्पॉइल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इंडिया में मिर्ज़ापुर सीरीज़ को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और तो यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जितनी आप लोगों को जाननी चाहिए। सीज़न 2 की कहानी एग्जैक्ट सीज़न 1 के बाद शुरू होती है, जहाँ पर मुन्ना भैया ने स्वीटी और बबलू को मार दिया था, लेकिन वहाँ से गोलू और गुड्डू भैया किसी तरह से बचकर निकल गए थे। अब एग्जैक्ट कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर गोलू और गुड्डू भैया को किसी भी हाल में मुन्ना भैया से बदला लेना और साथ 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 उनको किंग ऑफ मिर्ज़ापुर भी बनना है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया, जिनको अपने पापा कालीन भैया को ये साबित करना है कि वो मिर्ज़ापुर को संभाल सकते हैं, उसके अलावा रतिशंकर के बेटे शरद शुक्ला को किसी भी हाल में अपने पापा के कातिलों को भी ढूंढना और साथ साथ उनको भी अब मिर्ज़ापुर चाहिए। दूसरी तरफ कालीन भैया जो चाहते हैं कि किसी भी हाल में मुन्ना काबिल बन जाए मिर्ज़ापुर संभालने के, वही बीना त्रिपाठी को यहाँ पर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और साथ साथ उससे रिलेटेड जो ट्विस्ट है वो तो आप लोग इस सीरीज़ में ही देख लोगे। उसके अलावा अब ये सीरीज़ यूपी और मिर्ज़ापुर तक ही सीमित नहीं रहती, अब यहाँ पर बिहार की भी एंट्री हो गई, यानी कि दो नए कैरेक्टर लिलीपुट फारूकी और विजय वर्मा। अब विजय वर्मा के साथ यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा, आप लोग जब सीरीज़ को देखोगे तो ही आप लोग समझ पाओगे। खैर, अगर सीज़न 1 और सीज़न 2 की बात करते हो, यार मुझे सीज़न 2 भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि सीज़न 1 मोस्टली टीनेजर्स और यूथ ऑडियंस को नज़र में रख के बनाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज से पहले हम लोग किसी भी वेब सीरीज़ में नहीं देखे थे। हालांकि मिर्ज़ापुर काफ़ी हद तक सेक्रेट गेम से सिमिलर लग रहा था चीज़ों के मामले में, लेकिन जो उसका प्लॉट था वो टोटली डिफरेंट था। और आजकल के लोगों को इस तरीके के शोज देखना बहुत पसंद है। वही अगर सीज़न 2 की बात करूँ तो ये काफ़ी मैच्योर लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिली। उसके अलावा बाकी वही सारी चीज़ें थी जो आपने सीज़न 1 में देखी है। और अगर उसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जो जो कैरेक्टर्स आपने सीज़न 1 में देखे थे वो सारे कैरेक्टर्स रिटर्न हुए सीज़न 2 में, लेकिन हर एक कैरेक्टर को और भी डीपली और बहुत ही अच्छी तरह से अब सीज़न 2 में डेवलप किया, और उनका जो इमोशनल साइड है या उनका जो डार्क साइड है वो और भी ज़्यादा हमें देखने को मिला सीज़न 2 में। उसके अलावा अगर बबलू और स्वीटी की बात करें तो यार यहाँ पर स्वीटी का हमें 3-4 फ्लैशबैक के सीन देखने को मिलते हैं, और बबलू भैया का बस एक ही फ्लैशबैक वाला सीन देखने को मिलता है, बाकी वो लोग इस पूरी सीरीज़ में हमें नज़र नहीं आते। उसके अलावा शो में चाचा थे ना जो क्लाइमेक्स में आए थे, वो भी हमें इस सीरीज़ में नज़र आते, जो कि बहुत ज़्यादा हंसी आता है जब जब उनके सीन आते। उनके 2 या 3 ही सीन है, वो तो आप लोग सीरीज़ में देख लोगे तो भी मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अलावा इस बार शो में आपको इतना ज़्यादा वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ ही जगह पे वायलेंस के सीन देखने को मिलेंगे जो इम्प्रेसिव है, लेकिन वो लेवल टच नहीं कर पाए जो सीज़न 1 में था। लेकिन एपिसोड 4 में जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला है, मतलब वो तो एज ऑफ द सीट था, वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। वो चीज़ आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग हाँ इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। और अगर एडल्ट सीन की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर इतने देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बैड वर्ड्स जो है, जितने भी गाली गलौच है, वो एपिसोड 1 से जो स्टार्ट होती है वो एंड तक बरकरार रहती है। और इनफैक्ट आपको हर दूसरे सीन में आपको कुछ ना कुछ गाली सुनने को मिल जाती है इस शो में, जो कि इस शो का एक मेन पार्ट है। अगर गाली ना हो तो मिर्ज़ापुर सीरीज़ का कोई मतलब है नहीं भाई। और बात करेंगे शो की सिनेमाटोग्राफी की, तो यार काफ़ी हद तक सीज़न 1 में जिस तरह से उन लोगों ने हर एक चीज़ को शूट किया था, बिल्कुल उसी वे में उन्होंने सीज़न 2 में भी शूट किया, तो यार मुझे पर्सनली कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। और शो का BGM तो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रहा है, स्पेशली जो इंट्रो में जो लोगों ने BGM यूज़ किया वो तो बहुत सारे लोगों ने रिंगटोन में, बहुत सारे लोगों ने अपने इंट्रो में भी डाला है, तो वो तो एक यूनिकनेस है ही। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। दिव्यांदु शर्मा और अली फजल की बात करें तो उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन श्वेता त्रिपाठी यानी कि जिसने यहाँ पर गोलू का रोल प्ले किया, उनके लिए यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ था, और उनके कैरेक्टर में काफ़ी कुछ डेप्थ और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिली जिसको उन्होंने स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरह से उतारा है। लेकिन अगर नए एक्टर की बात करें विजय वर्मा और लिलीपुट फारूकी की, तो उन दोनों ने भी अभी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। और हाँ, सीज़न 3 मिर्ज़ापुर का डेफिनेटली आने वाला है, इसका एंड क्रेडिट सीन भी है जो आप लोग डेफिनेटली मिस मत करना। इस बार हमें शो में एक्शन और कॉमेडी के अलावा बहुत सारी इमोशनल चीज़ें भी देखने मिलेगी जिनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। अब बात करेंगे इस शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखिए सीज़न 1 काफ़ी लोगों को ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा सीज़न 2 से, उसकी एक ही वजह है क्योंकि सीज़न 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, और वो हमारे लिए
सब कुछ नया था। लेकिन अगर सीज़न टू की बात करें तो काफ़ी हद तक हमें चीज़ें सिमिलर लगती है सीज़न वन से, तो इसलिए बहुत सारी ऑडियंस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें शो में, तो यहाँ पर हमें पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो इसका क्लाइमैक्स है वहाँ पर जो एक ट्विस्ट उन्होंने डाला है वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाती है सीज़न थ्री को देखने के लिए, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से मैं इस शो को डेफिनेटली रेटिंग दूंगा 8 out of 10। पेरेंटल गाइडेंस में बस इतना ही बोलूंगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना, और जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ के फैंस हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मिर्ज़ापुर सीज़न टू ने कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोगों को ये शो देखना तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस शो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिंदास पूछ सकते हो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।